नेशनल हाईवे पर स्कूटी से जा रहे लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग गया। इसने पहले भी ऐसे ही लोगों पर हमला किया था। चंपावत जनपद के सुखी ढांग क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूटी से जा रहे राहगीरों पर एक बार फिर गुलदार यानी तेंदुए ने हमला कर दिया। पान सिंह और पूरन तिवारी शाम को बनबसा से सूखी ढांग वापस जा रहे थे, तब अचानक गुलदार ने उनके ऊपर हमला कर दिया। दोनों ने हमले का विरोध किया और शोर मचाया, जिसके बाद तेंदुए उन्हें छोड़कर झाड़ियों में भाग गए, जहां से दोनों घायलों को 108 की मदद से टनकपुर उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इन दोनों का इलाज किया जा रहा है। गुलदार के हमले में बैक सीट पर बैठे पूरन तिवारी को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं पान सिंह को भी कई जगह चोटें हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी भी टनकपुर उप जिला चिकित्सालय पहुंचे। वन क्षेत्र अधिकारी गुलजार हुसैन ने बताया कि हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा 3 पिंजरे और 8 ट्रैकिंग कैमरे स्थापित किए गए हैं। तिवारी जी जो सुखीढांग क्षेत्र के निवासी हैं, उन्हें 8वीं मील से थोड़ा सा ऊपर जो है लगभग टनकपुर से 13-14 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगी, वहां पर उन्हें घायल कर दिया गया है और काफ़ी जो है उनके गले में पीछे की तरफ निशान है और कमर पर भी निशान है। उनके साथ जो स्कूटी जो चला रहे थे उनको भी घायल कर दिया गया है। तो इस पर जो है श्रीमान विभागीय वनाधिकारी से मेरी बातचीत हुई है और वो जो है वो भी आ रहे हैं अभी, और उनके द्वारा जो है जो भी इसमें पॉसिबल कार्रवाई की जाएगी वो तुरंत जो है तत्काल रूप से कार्रवाई करेंगे और जो भी विभागीय नियमानुसार कार्रवाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।